बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए जहां राज्य प्रशासन से लेकर दक्षिण 24 परगना जिला प्रशासन तत्पर है, कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है श्रद्धालुओं को कपिल मुनि आश्रम तक जाने के लिए, वहीं हम इस वक्त मौजूद है बाबू घाट के आउट्रम घाट पर। यहां पर आकर हम देख रहे हैं कि जितने सारे जो निशुल्क सेवा शिविर हैं वो भी अपना सेवा शिविरों का उद्घाटन शुरू कर दिए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि जैसा कि यहां पर वे निशुल्क गंगा सागर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए ठहराव, भोजन से लेकर सारे चीज़ों और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मास्क, सैनिटाइजर और स्वच्छता को ज़्यादा ध्यान में दे करके सारी व्यवस्थाएं की हैं। हमारी समाज के शिविर के माध्यम से निःशुल्क सेवाएं, आवास निःशुल्क है, भोजन ये सेवा सबसे पहले से ही शुरू यही की संस्था। भोजन भोजन औषधि चाय तथा इसके अलावा हमारे यहाँ ये भी व्यवस्था की गई है कि जो यात्री यहाँ आते हैं, अगर मान लीजिए वो पूरी नहीं खाना चाहते हैं जिसे उनको इतराज़ होता है यात्रा में, तो उनके लिए यहाँ गरम गरम रोटी की भी व्यवस्था की गई है कि वो उसका रोटी का भी वो उपयोग कर सकते हैं, खा सकते हैं। जितनी भी यहाँ व्यवस्था की गई है वो सभी निःशुल्क चलती है। यहाँ ये व्यवस्था 7 से 17 जनवरी तक चलता रहेगा। इसके अलावा ये समाज गंगा सागर मेला क्षेत्र 24 परगना दक्षिण में भी अपना 12 जनवरी से 15 जनवरी तक रोड नंबर 3 पर अपना शिविर लगाकर वहाँ भी निःशुल्क सेवाएं देता आ रहा है, इस वर्ष भी देगा। कैमरामैन शिवांग के साथ मैं राम बालक दास, सनमार्ग कोलकाता।